ये एक प्रोग्राम है, ये जो मेन मेथड है ना ये कहलाता है मेन थ्रेड जावा में, इसको कहते हैं मेन थ्रेड। ये आपका सबसे मेन थ्रेड और एक ही थ्रेड है, ये एप्लीकेशन या ये क्लास फाइल एक वक्त में एक ही काम कर रही है। इसमें अगर हम कुछ प्रिंट करवाते हैं, जैसे इसको हम रन करेंगे, ये नॉर्मली हमें प्रिंट करके दे देगी, ठीक है, दोनों हेलो एंड बाय। ये एक ही थ्रेड था, चला और खत्म हो गया। अब इस थ्रेड में, अभी सिंगल थ्रेड है, अभी कोई दूसरा हम थ्रेड नहीं कर रहे। ये जब थ्रेड चलता है ना, ये चल रहा होता है, अभी तो फॉरन खत्म हो गया। अगर हमने इसमें कोई प्रिंटिंग कराई है 1 मिलियन टाइम्स, तो ये चलता रहेगा जब तक पूरा ना होता है। इस थ्रेड को बीच में अगर रोक रहा हो तो हम इसको किल भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। या अगर इसको पोज करवाना हो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए पोज हो जाएगी, वो भी कर सकते हैं। पोज को हम कहते हैं थ्रेडिंग लैंग्वेज में स्लीप, कि अगर इसको स्लीप करवाना हो थोड़ी देर के लिए, तो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं, हमारे पास क्लास है थ्रेड क्लास, थ्रेड किलो हो जाएगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कंट्रोल सी से, वो तो हम वहां से यूजर से करते हैं ना, खुद से करवाना हो बैकएंड से, तो उससे क्या होगा कि हम यहां से किल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, सही है। वो काम कब आएगा, दो थ्रेड होंगे, एक थ्रेड पे तो वो काम नहीं आता। स्लीप हम यहां यूज कर सकते हैं, थ्रेड क्लास का स्टेटिक मेथड है स्लीप। हाँ, अब ये टाइम मांगेगा आपसे, कितने टाइम के लिए, अब ये टाइम मांगेगा आपसे मिली सेकेंड में, कि मिली सेकेंड दो कितने टाइम के लिए करते हैं, तो 1000 मिली सेकेंड एक सेकेंड के बराबर होते, तो हम इसमें 3000 मिली सेकेंड दे रहे, सही। अब ये थ्रेड चल रहा होगा, सिंगल थ्रेड है, हेलो प्रिंट करेगा, देन 3000 मिली सेकेंड के लिए रुक जाएगा, पोज हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, फिर अवेक हो जाएगा 3 सेकेंड। लेकिन इसमें बस ये एरर है कि आपको ये थ्रेड डॉट स्लीप मेथड जो है ना, ये नहीं, ट्राई कैच में लिखना, अनरिपोर्ट एक्सेप्शन दे रहे, ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा। अब इसको हम रन करेंगे, जैसे प्रोग्राम रन करूंगा मैं, हेलो प्रिंट हुआ, 3 सेकंड के लिए रुक गया, देन बाय प्रिंट, सही। तो इस मेथड के जरिए हम अपने थ्रेड को पोस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अब इसी काम को थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं, एक लूप है जो के प्रिंट कर रहा है 10 टाइम्स आई की वैल्यू, ठीक है, ये 0 to 9 प्रिंट कर रहा है। अब मैं इसमें यहां पे ये थ्रेड वाला मेथड लगा देता हूं, ये मेथड क्या करेगा, स्लीप वाला प्रिंट किया देन स्लीप हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा प्रिंट किया फिर स्लीप हो गया, इसको 1 सेकंड कर देते हैं, ज्यादा देर हो जाएगी। हाँ, पोज होता रहेगा वंस, क्योंकि मैंने 1000 दिया ना यहाँ पे, 1000 मिली सेकंड, 1000 मिली सेकंड इंटू इज इक्वल टू 1 सेकंड, इसको 2 कर देंगे तो ये काम होता है ऐसा, जो
चलेगी काम, मेरे उसको पोस्ट कर रहे हैं बार बार, इसलिए थ्रेडिंग, ये थ्रेड में हम कर रहे हैं, थ्रेडिंग में स्टार्ट ये बिल्कुल। ये थ्रेड डॉट स्लीप मेथड, जो भी थ्रेड चल रहा होता, प्रोग्राम चल रहा होता ना, जहां ये लिखोगे वहां पे ये पोज होके चलेगा, वहां पोज हो जाएगा। सही, वो बार बार अपडेट हो रही होती है ना, तो इसी तरह होता है कि हर 2 सेकंड बाद अपडेट हो, हर 1 सेकंड बाद अपडेट हो, इस तरह से। थ्रेड एक क्लास है, स्लीप उसका मेथड है, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक इसलिए डायरेक्ट कॉल कर रहा है, वरना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। स्लीप के अंदर जो वैल्यू देंगे, सिर्फ इस लाइन को लिखने से ये थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हमने दी उतनी देर के लिए स्लीप हो जाएगा। सही, क्लियर? वन लाइन, सिंगल लाइन, इसी को ग्राफिक्स में लेके चलते हैं। थ्रेड के हैं काफी, थ्रेड के कम है वैसे, इतने इतने इसमें हम खुद बनाते हैं मेथड, अभी इसके अंदर खुद बनाएंगे। इसके 3-4 है मेथड, ज्यादा नहीं। अब यहां पे एक बटन बना देता हूं मैं, स्टार्ट कर, स्टार्ट के बटन पे एक कोड रन हो, जो हमने वहां लिखा था एज इट इज, अभी मैंने यही पेस्ट कर दिया, प्रिंट करें 10 times। नहीं, क्योंकि ये जब लिखेंगे ना तो ये एरर देता है कि आपको उसको ट्राई कैच में रखना जरूरी है, इस लाइन को ट्राई कैच में रखना जरूरी है। स्टार्ट करने पे ये वहां पे इसने स्टार्ट कर दिया, बटन वो नहीं हुआ है ना। अब देखिए इसमें एक मसला क्या आएगा हमारे लिए, कि जब ये मैंने स्टार्ट किया यहां पे, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो ये बटन प्रेस है और ये प्रेस ही रहेगा, इस फ्रेम पे कोई काम नहीं कर सकता, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, दूसरा बटन हो कुछ और हो, ये मैक्सिमाइज कर रहा हूं, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्रेम स्टक हो गया मेरा। अब इसका रीजन ये है कि जब आपका ये थ्रेड चल रहा होता है ना, मेन मेथड, ये मेन मेथड आपका फ्रेम रन कर रहा है और फ्रेम के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें जो चलनी है, बटन प्रेस होना, टेक्स्ट फील्ड होना, ये सब एक ही थ्रेड में चल रहा है। अब मैंने उसको बिजी कर दिया दूसरी जगह पे, उसी थ्रेड को, तो वो इसमें लग गया और वो काम छोड़ दिया उसने फ्रेम वाला, तो एक ही थ्रेड लगता है इसकी। और क्लियर एग्जांपल इस तरह है कि ये मैं इसमें प्रिंट करवा रहा हूं, लूप वन एंड लूप टू, सही है, अलग अलग है ना, चल जाते अगर अंदर उड़े अपनी चलेगा, सही। अब ये दोनों लूप रन हो जाएंगे, इनको स्लीप करवा देते हैं दोनों के, आहिस्ता आहिस्ता करके रन हो, ताकि हम इसको देख लें रन होते हैं। इस
एक्सेप्शन इसलिए आती है कि आपका जो प्रोसेस है ना, प्रोसेसर कभी अगर वो इतना बिजी हो कि उसको अलाउ ही ना करे स्लीप होने के लिए, तो फिर एक्सेप्शन दे देता है अनेबल टू स्लीप। लेकिन बहुत कम केसेस में होता है, बट स्टिल हो सकता है। अब देखिए दो लूप चल रहे हैं, ये लूप वन है, ये लूप वन जब कंप्लीट होगा तब वो लूप टू पे आएगा, ऐसे ही है ना? ऐसा तो नहीं होगा दोनों एक साथ चल जाए, अंदर करके हो सकता है, लेकिन अलग अलग जब है, अलग अलग नहीं हो सकता। इस कोड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये भी चले ये भी चले एट अ टाइम सेम। ये एक थ्रेड है जो क्या ऊपर से नीचे तक चल रहा है, और इस तरह यही काम मैंने फ्रेम पे किया था, एक जगह फ्रेम को विजिबल कर दिया था, वो फ्रेम के अंदर लग गया था, सेकंड जगह पे हमने लूप चला दिया था तो वो फ्रेम को छोड़ के लूप पे आ गया था। अब अगर हम ऐसा करना हो कि हम चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ चले, फ्रेम भी चले प्रिंटिंग भी हो, और यहां पे भी मैं चाहता हूं दोनों काम एक साथ, दोनों लूप एक साथ रन हो, तो इसके लिए हमें करना पड़ता है मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड बनाना पड़ता है एक बार। अभी एक है, अब बना सकते हैं, अभी तक बाय डिफॉल्ट एक है, बाय डिफॉल्ट अभी एक है, हर लैंग्वेज में एक ही होता है ना। अब इसमें मैं थ्रेड बना सकता हूं कि मैं एक थ्रेड और बना देता हूं, एक थ्रेड मेन मेथड में लगा रहे, दूसरा थ्रेड जाके कुछ और काम कर, उस पर फिर किल भी लगा सकते हैं, उस थ्रेड को बंद कर दो, अब किल भी थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा, सही। तो थ्रेड बनाने के लिए हमारे पास ऐसे होता है कि हमें थ्रेड बनाना पड़ता है, थ्रेड टी इक्वल टू नी ऑफ थ्रेड, ठीक है। लेकिन इससे पहले, थ्रेड क्लास से पहले, थ्रेड हम हमेशा बनाते हैं नई क्लास में, ये मैं कोई भी स्टूडेंट क्लास बना रहा हूं, सही। फर्स्ट रूल थ्रेड बनाने के लिए ये है कि इस क्लास को मुझे थ्रेड क्लास का चाइल्ड बनाना पड़ेगा, एक्सटेंड्स थ्रेड, सही। इसके बाद इसका एक मेथड है जो थ्रेड का मेथड है बेसिकली, और इसमें अब वो इनहेरिट होके आ गया रन, वो मेथड में ओवरराइड करो, पब्लिक वॉइड रन। अब ये ओवरराइड हम कभी लिखते थे कभी नहीं लिखते थे, ऑप्शनल होता है, ठीक है, ये सिर्फ निशानी होती है हम ओवरराइड कर रहे हैं, लिखे है ना लिखे की बात, ये रन थ्रेड का है जो क्या इनहेरिट हो क्या है एम्प्टी है, अभी हम उसको ओवरराइड करके खुद बता रहे हैं क्या करना, इसलिए हो सकता है पहले भी हो सकता है, लेकिन पहले फिर वो वाला नहीं होगा, फिर मेरा अपना नया मेथड कहलाएगा रन, ठीक है। अब उसके अंदर मौजूद है इसलिए इसका मतलब ओवरराइड कर लो पहले से मौजूद चीज है, अगर एक्सटेंड नहीं है तो मैं अपना नया बना रहा हूं। अब इसके अंदर मैं एक लूप रन कर रहा हूं 100 times लूप वन करके आई, थ्रेड डॉट स्लीप 100 times चल रहा, ताकि थोड़ा नजर आ सकता है। ये बन गया हमारा थ्रेड स्टूडेंट के नाम से, सही। अब इस थ्रेड को मैं वहां से स्टार्ट करूं मेन क्लास से, स्टूडेंट पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इस क्लास में स्टूडेंट क्लास में मेथड है रन, यहां से मैं कॉल करूंगा एस डॉट स्टार्ट, हाँ। अब ये मेथड जो स्टार्ट है ना, ये स्टूडेंट क्लास में तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर क्लास में थ्रेड क्लास में मौजूद है, पैरेंट में मौजूद है। वो मेथड क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली इस रन को एज अ थ्रेड रन करता है, एज अ थ्रेड नया बना के, तो नया प्रोसेसर में जगह बनाएगा उस पर रन करेगा ये स्टार्ट मेथड जो चीज रन में लिखी हुई। हाँ ये नहीं है बिल्कुल, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के, स्टूडेंट तो है ना, तो हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और स्टूडेंट के स्टार्ट कॉल किया, सही। स्टार्ट क्या करेगा कि वो चीज जो रन में लिखी है वो चलाएगा नहीं, नई जगह नया थ्रेड बनाएगा
और नए थ्रेड पे रन करेगा। इसको हम इस तरह कर सकते हैं, अभी फिलहाल अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए ये स्टार्ट हो गया, ये कोड मैंने स्टूडेंट क्लास में लिखा हुआ रन में। सही थ्रेड चल रहा है। अब ये साबित करने के लिए कि भाई ये सेकंड थ्रेड है, हम ये करते हैं कि यहां पे मैं एक लूप रन कर रहा हूं, लूप टू के नाम से, अब लाइन बाय लाइन क्या होगा ये दोनों, इसकी वजह से नया थ्रेड बनेगा, इस थ्रेड में नहीं काम होगा, नया थ्रेड बन के स्टार्ट होगा और ये अपना काम कंटिन्यू रख के नीचे आएगा यहाँ पे, अब वो अलग जगह चलेगा और ये नीचे चलेगा। हाँ दोनों साथ में, वो अलग जगह चल रहा है ये अलग जगह चल रहा है। टू वन दोनों प्रिंट हो रहा है। हाँ यही चीज, स्टार्ट की वजह से वो उसको स्टार्ट नहीं करेगा, नई जगह पे स्टार्ट करेगा, प्रोसेस में प्रोसेसर में नया एक ब्लॉक लेगा उसमें स्टार्ट करेगा कि आप अलग जगह पे स्टार्ट हो और मुझे रिलीज करो मैं आगे जाना। सर उसने अलग जगह पे स्टार्ट कर दिया और नीचे आ गया, फौरन नीचे आ गया, वो चलता रहेगा अलग जगह पे अपनी काम करता रहेगा। ये तो होगा नॉर्मल अगर हम एक ही थ्रेड में काम करें। अच्छा, हाँ दो थ्रेड का मतलब है वो चीज चल रही है लेकिन वो अलग जगह चल रही है और ये अलग जगह चल रही है, अब दोनों काम साथ हो गए, एक एप्लीकेशन दो काम कर रही है। इसको रोटेट से काम करेंगे, इसको टेन कर दें ताकि ये रुक जाए और वो चलता रहे। बिल्कुल ये रुक जाएगा, अगर मैं इसको टेन कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा लूप टू और वो कंटिन्यू रहेगा अपने जब तक 100 पूरे नहीं होते उसके। ठीक है 10 टाइम्स के बाद 9 तक चलेगा, 9 टाइम रुक गया वो, अब 1 चलता रहेगा और अगर वो काम होगा तो वो खत्म हो जाएगा, ये चलता रहेगा। टू वन पहले टू फिर वन, मतलब हाँ एक एक करके चल रहा है ना ये, प्रिंट दोनों साथ हो रहा है, प्रिंट साथ हो रहा है तो चल एक साथ रहा है, एक साथ दोनों काम हो रहा है, दोनों को मैंने एक एक सेकंड के लिए स्लीप किया तो ऐसा लग रहा है साथ चल रहा है, अगर एक दो सेकंड के लिए स्लीप हो तो एक दो दफा करेगा एक दफा करेगा इस तरह चल रहा होगा, तो ये दो काम एक साथ हो रहा है। सही है। हाँ ये मेथड है थ्रेड क्लास का जो कि स्टूडेंट में ऑटोमेटिक आ गया जब इंप्लीमेंट हुआ वो एक्सटेंड किया हमने। इस फाइल में अगर चलाएं यहां पे मतलब कॉल करके, अगर मैं इसको रन से कॉल करूंगा ना यहां से तो देखें क्या होगा, अब थ्रेड नहीं चला है, अब रन मेथड में जो लिखा था वो डायरेक्ट चल गया है लूप वन, अब वो कंप्लीट होगा तभी नीचे आएगा क्योंकि थ्रेडिंग नहीं हुई, अभी जब 100 कंप्लीट करेगा देन ये कंट्रोल इसके बाद नीचे आएगा। स्टार्ट उसको नई पोजीशन पे स्टार्ट कर रहा है, नया थ्रेड बना के रन को, जो रन में लिखा है वो चीज, उस चीज। सही। अब इस वजह से हमने क्या किया, जो काम कर रहा है वो नई जगह पे कर रहा है ताकि हमारा फ्रेम फ्रीज ना हो या कोई भी काम स्टक ना हो, और जब दोनों थ्रेड खत्म हो जाएंगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, जब सारे थ्रेड पूरे हो जाते हैं तो प्रोग्राम बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब ये काम यहां पे करते हैं हम थ्रेड में, ये कोड में यहां से हटा रहा हूं, इसके अंदर एक नई क्लास बना लेते हैं जावा क्लास माय थ्रेड के नाम से बना रहा हूं, ये क्लास एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को और पब्लिक वॉइड रन के मेथड में, अब यहां पे ये 10 टाइम्स प्रिंटिंग या जो भी है ये हमने पेस्ट कर दी। सही लूप वन 10 टाइम्स 100 टाइम्स प्रिंटिंग कर रहा है और बटन क्लिक पे इस माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के थ्रेड स्टार्ट कर रहा है।
टी डॉट स्टार्ट। अब बटन जब क्लिक करूंगा मैं तो वो थ्रेड अपनी जगह चलेगा, ये फ्रेम रिलीज हो गया, अपना काम जारी रखें वो अलग चल रहा है, वो अपनी जगह चल के कंप्लीट होगा, ये अपनी जगह अलग चल रही है, दो अलग अलग चीजें चल रही है एक ही प्रोग्राम में। एक और दफा फिर स्टार्ट हो जाएगा वो लूप 1.0 से स्टार्ट होगा। अब तो जितनी बार मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट होता रहेगा, ये फिर स्टार्ट हो गया, नया थ्रेड स्टार्ट होगा, वही नहीं नया, जब जब ये मेथड बनाऊंगा ना मैं ये वो चल गया स्टार्ट, इसको फिर से ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसका मतलब नया बनाया। अब देखें ये स्टूडेंट जो है ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये अपना थ्रेड रन कर रहा है, एक थ्रेड स्टूडेंट एस टू इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये दूसरा थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड स्टार्ट कर देगा। अब ये दो स्टार्ट होगा, दोनों एक साथ चलेगा, क्योंकि भले वो काम कर रहे हैं लेकिन दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों थ्रेड एक साथ चलेंगे। तीन दफा चलेगा बिल्कुल, जितनी बार क्लिक करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बार बार बन रहा है ना, इस वजह से। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब देखिए ये जो काम है मैंने एक नई क्लास बना के इसके अंदर किया है थ्रेड एक्सटेंड और इसमें काम किए, यही काम मैं अपनी ही क्लास के अंदर कर लूं, अगर यहीं पर ही कर लूं कि इसी को एक्सटेंड कर दें हम थ्रेड से और यहीं पर ही ओवरराइड कर दूं मैं रन का मेथड जो वहां लिखा है, हम यहां पर हाँ इसी फाइल में अगर हो जाए तो उस फाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एग्जाम्पल क्लास के अंदर ये एक ही काम में हो गया, एक ही क्लास में हो गया, ये भी सेम काम करेगा। सही, क्लियर, वही चीज है बस यहां कर। अब इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट है कि यही काम इस तरह से अपनी ही क्लास में ग्राफिक्स में भी करते हैं, ये क्लास में डिलीट कर माय थ्रेड खत्म हो गई क्लास, ये तो मैंने यहां से क्लोज की है, डिलीट नहीं की अभी ना, डिलीट तो यहां से होगी, ठीक है वो वहां से डिलीट होगी, अभी फर्ज करें मैंने उसको खत्म कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इस ग्राफिक्स के अंदर मुझे एक थ्रेड रन करना है, इसी क्लास को एक्सटेंड कर लू। अब जब मैं ऊपर जाऊंगा एक्सटेंड करना तो ये तो ऑलरेडी फ्रेम से एक्सटेंड हो रही, तो दो से एक्सटेंड कर नहीं सकते हम, है ना, दो पैरेंट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं मैं कह रहा हूं इसी में करना है, तो हमारे पास एक तरीका थ्रेड बनाने का एक और है, दो तरीके तीन है बेसिकली, एक तो हमने देख लिया, दूसरा तरीका थ्रेड बनाने का क्या है कि यहां पे हम पहले दूसरी क्लास में बनाते हैं फिर इसको यहां करते हैं वो स्टूडेंट में। स्टूडेंट क्लास को हमने एक्सटेंड किया था थ्रेड से, ठीक है, थ्रेड एक क्लास है प्रॉपर। अगर आप एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो एक अल्टरनेट ऑप्शन ये, आप इसको इंप्लीमेंट कर लें रन एबल, एक इंटरफेस है रन एबल, वो बिल्कुल थ्रेड का काम करके देता है, बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट आपको यहां पे इंप्लीमेंट्स रन एबल लिखना पड़ेगा, इसके अंदर रन मेथड है वो पूरा करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा डबल एंड रन एबल, और इसके अंदर रन एबल के अंदर आपने कंप्लीट अपना लूप जो भी है यहां पे आप कोड लिखना, बाकी सब चीज से कुछ डिफरेंस है कुछ दिखाता हूं यहां पे, जस्ट इंप्लीमेंट आपको करना है रनेबल से, बिल्कुल वही जो थ्रेड में हुआ ना इस क्लास में, तो बिल्कुल सेम है, जस्ट दो वर्ड चेंज किया। लेकिन अब जब यहां एग्जाम्पल में आएंगे
अब जब मैं ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और एस डॉट स्टार्ट मेथड ये कॉल करो, मुझे पहले कर रहे थे स्टार्ट मेथड क्या था उसकी पूरी डेफिनेशन थ्रेड क्लास में मौजूद थी और रनेबल इंटरफेस इसमें डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, तो इसमें स्टार्ट मेथड हो ही नहीं सकता, उसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें इसमें इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है, हम इसको इस तरह स्टार्ट नहीं करेंगे, हम थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थ्रेड क्लास का, और उसको पास कर देंगे कि वो हमने इंप्लीमेंटेशन कहां की है, एस में की है, एस क्लास जो है वो हमने बनाई है रनेबल टाइप, उसको यहां पास करें। अब इस थ्रेड को स्टार्ट करें, ये डिफरेंस आ जाएगा, वहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के स्टार्ट कर देते, यहां थ्रेड को बताना पड़ेगा हमने कहां इंप्लीमेंट किया, दोनों को मर्ज करके फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। इंटरफेस ऐसी चीज होती है उसमें मेथड की सिर्फ डेफिनेशन बॉडी सॉरी डेफिनेशन होती है और बॉडी नहीं होती, डिक्लेयर हुए होते, उसको इंप्लीमेंट करना है तो कंप्लीट करना पड़ता है। अगर मैं इसको क्लास को कंपाइल करूंगा स्टूडेंट को बिना रन मेथड के, तो ये कहेगा आप इंप्लीमेंट कर रहे हो रनेबल लेकिन आपने रन मेथड कंप्लीट नहीं किया, ओवरराइड नहीं किया, इसमें सारे मेथड अधूरे होते हैं, एम्प्टी मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई एक होता है, रन इंटरफेस में सब अधूरे होते हैं, तो इसको हमें रन मेथड कंप्लीट करना पड़ेगा लाजिम है हमका, और ये यहां पे पास किया है स्टूडेंट का जिस क्लास में हमने काम किया, और अब इसको रन करेंगे तब ये रन होगा, सही है, समझ आया डिफरेंस तरीका, ये दो तरीके हैं काम करने। अब इसको ग्राफिक्स पे लेके आते हैं, इंटरफेस में होते हैं, लेकिन इंटरफेस में क्या होता है मेथड्स की कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, मेथड करे क्या, सिर्फ मेथड डिफाइन होता है, जैसे हमने इंटरफेस बनाया था कोई भी इंटरफेस बनाया है उसमें हम इस तरह मेथड रखते थे पब्लिक वाइड शो, बस जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा वो कंप्लीट करेगा शो मेथड, वो क्या करेगा उसमें, तो इसी तरह रनेबल बना हुआ है, सही। अब रनेबल के जरिए हम इसमें ग्राफिक्स में आते हैं, अब फ्रेम को एक्सटेंड नहीं कर सकता मैं लेकिन इंप्लीमेंट तो कर सकता हूं, तो इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, इंप्लीमेंट्स रनेबल। अब ये एरर दे रहा है कि आपने रन मेथड कंप्लीट नहीं किया, अब इस क्लास को रन मेथड बनाना है क्योंकि ये इंप्लीमेंट कर पाएगी, हाँ इंप्लीमेंट किया तो एक्सटेंड अपना काम कर रहा है, रनेबल को हमने इंप्लीमेंट भी करा दिया, रन का मेथड जो कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर नहीं है, फिर वो कहेगा आपने ये तो ये मेथड नहीं है, रन वाला कंप्लीट करो, रन लास्ट नहीं करना है, इसी में रनेबल थ्रेड वाले जो काम किया था ना पहले उसमें भी रन लास्ट नहीं करना, ये इंप्लीमेंट करेगा न्यू क्लास को, इसको हाँ एक्सटेंड इससे करे और इंप्लीमेंट इससे करे, तो हम एक्सटेंड दो से नहीं कर सकते लेकिन एक से एक्सटेंड एक से इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं, तो इस तरह करके जब मैं इस रन में लिखूंगा कोई चीज कि जो भी हमने काम किया था इस रन के अंदर ये काम करता है, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हुए बटन क्लिक पे मैं अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकता हूं, तो थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, अब यहां पे मुझे पास करना है इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैं दिस लिख सकता हूं कि इसी क्लास में मौजूद, नया ऑब्जेक्ट बनाऊ तो नहीं बना देगा, इसी क्लास में मौजूद टी डॉट स्टार्ट न्यू जे फ्रेम कहां पे, वो जो मैंने दूसरी बनाई थी क्लास, फिर उसको स्टार्ट कर दे उसमें जो लिखा हुआ, ठीक है ये मैं इसी में कर रहा हूं, अब स्टार्ट करूंगा तो ये काम भी वही करेगा कि ये थ्रेड स्टार्ट कर देगा,
सब चीज ये अपना काम जारी रखे, जो भी काम वो थ्रेड अपनी जगह चल सही। अब इसमें एक काम करते हैं, ये काम जो हम प्रिंटिंग पे कर रहे हैं अब लेबल लगा के करते हैं, जे लेबल वन, और ये प्रिंट ना करें, ये लेबल पे सेट करें, जे लेबल वन डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई थ्रेड। अब लाजमी हर जगह थ्रेड के बगैर काम ही नहीं होता एप्लीकेशन में हमारा। अब ये इस पे रन करेगा, अपना काम यहां जारी रहेगा, वहां वो चलता रहेगा। इसमें ज्यादा है ना, अगर ये मैं विदाउट थ्रेडिंग करता तो पूरा का पूरा फ्रेम सिर्फ लेबल के अंदर लग जाता, वो तो दूसरा कोई काम करने नहीं देता। ये काम जो हमने किया ना लेबल पे सेट किया है, ये नहीं, मैंने रन के मेथड, रन के मेथड, रन के मेथड में सेट करना है, वो कंस्ट्रक्ट वो अपनी जगह उसको नहीं छेड़ा अभी हमने सही। तो ये नया थ्रेड बना के मैंने 1 2 3 4 प्रिंट करवाए, और इनकेस अगर इसको नए थ्रेड में नहीं करते हम, इस मेथड को मैं हटा दूं, इंप्लीमेंट वगैरह सब हटा दूं, ये हटा देते हैं इंप्लीमेंट एक कंट्रोल और वो फॉरवर्ड स्लैश, ये भी हटा देते हैं सही। सब चीजें हटा दी, थ्रेडिंग हटा दी, और ये लेबल का काम ये मैं कंस्ट्रक्टर में कर रहा हूं, स्टार्टिंग में कर रहा हूं, या बटन पे कर लेते हैं, स्टार्टिंग में नहीं बटन पे कर लेते हैं ताकि नजर आए थोड़ा सा होता हो, बटन पे कर रहा हूं। बटन पे क्या कर रहा हूं, लेबल पे एक एक करके सेकंड बाद, हर सेकंड बाद वैल्यू फ्रेश करता है। तो देखें इसको जब मैं यहां पे लेके आऊंगा, अब जब स्टार्ट करूंगा ये काम विदाउट थ्रेडिंग तो ये फ्रेम स्टक हो गया। स्टक क्यों हुआ है, वो काम अपना जारी है लेकिन फ्रेम पे विजिबल नहीं कर रहा है, वो अलग चीज पे चला गया, वो कह रहा है मैं उसमें लगा हूं, मैं विजिबल और ये डिस्प्ले वगैरह नहीं कर सकता। जब वो पूरा होगा तो आखिर में जो वैल्यू होगी 9 वो डिस्प्ले हो जाएगी सर, वो आखिरी वैल्यू हो जाएगी पूरा काम करने के बाद, उस दौरान कुछ भी नहीं करेगा दूसरा काम जो पहले करता है, नहीं क्योंकि शो फ्रेम करता है, फ्रेम वहां लगा हुआ सारी चीज वाला, अब शो भी नहीं करेगा। तो मल्टी थ्रेडिंग से हमने क्या किया था, वो शो भी कर रहा है काम भी कर रहा है इस वजह से। तो इसको मल्टी थ्रेडिंग में ही रखते हैं, यहां पर ठीक है। अब सारा काम वही है रन के मेथड पे, हमने ये रन मेथड किया ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूं अब लूप लगा के वाइल इन्फिनिट की चलता ही रहे सही, चलता ही रहे, और इसमें हम ले रहे हैं लोकल टाइम, लोकल टाइम डॉट नाउ डेट टाइम फॉर्मेटर Hours, minutes, seconds. अभी बटन पे हमने सिर्फ थ्रेड को स्टार्ट किया कि थ्रेड स्टार्ट हो जाए, लेबल पे भी कुछ नहीं किया ठीक है। अभी सिर्फ रन मेथड बनाया, अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया डेट टाइम का, और लेबल पे अब मैं सेट कर रहा हूं करंट टाइम एफ डॉट फॉर्मेट टी ठीक है, करंट टाइम इज फॉरवर्ड। अब जब स्टार्ट करेंगे तो ये सेकंड, हर सेकंड बाद उठा के ला रहा है, इसका मतलब नया सेकंड ला रहा है, टाइम में चेंज ही नहीं, टाइम हर सेकंड बाद नया उठा रहा है, तो इस तरह टाइम चल रहा है। तो ये थ्रेड अलग थ्रेड में चल रहा है, अगर ये ऑलरेडी चल रहा होता तो फिर ये एसी में लगा रहता, ऐसे पूरा नेटबीन्स है ना, ये नीचे कुछ टाइमिंग हुआ कुछ 362 लिखा हुआ है ना, ये अलग थ्रेड में हो रहा होगा, अगर ये हो रहा होता इसी में
तो वो उसी में लगा होता, उसके अलावा कोई काम ना कंपाइल ना रन ना राइट कुछ नहीं करने देता। तो ये अलग थ्रेड में हमने स्टार्ट किया, सही है, ये चलता रहेगा, वाइट ट्रू कर दिया ना, इन्फिनिट चलता रहेगा जब तक ये बंद नहीं हो जाता फ्रेम या एप्लीकेशन बंद नहीं हो जाती। तो ये थ्रेडिंग में करते हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट क्लिक पे किया, अगर आपको स्टार्ट पे ना करना हो तो ये उठा के कंस्ट्रक्टर में रख दें, स्टार्ट वाला कोड, ये स्टार्ट वाला कोड मैंने इनिट कंपोनेंट के बाद, अब सबसे पहले ये कोड चलेगा, थ्रेड तो बनेगा, थ्रेड बनने के बाद कंस्ट्रक्टर बनते ये कोड चलेगा, अभी ऑटोमेटिक स्टार्ट आएगा, सही है, क्लियर। अब इसके अंदर हम टाइम एक देख लिया, इसके बाद एक देख लेते हैं कि इस पे मैं जे लेबल पे कुछ लिखा हुआ है, वेलकम टू माय थ्रेड, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं, सेट फॉरग्राउंड कलर डॉट ब्लू फॉरग्राउंड टेक्स्ट का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही फ्रेम रन होगा ये इसका कलर सिंपली ब्लू कर देगा, और बार बार ब्लू ही करता रहेगा, इसका मतलब ब्लू ही रहेगा, बार बार चेंज हो रहा है ना, ब्लू ही करता रहेगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ये करते हैं कि यहां पे हम एक इंटीजर काउंटर जीरो काउंटर प्लस प्लस, सही, लूप से बाहर काउंटर लगाया है। If counter modulus 2 equal equal 0, blue word. Else, हाँ काउंटर की वैल्यू जब 1 होगी ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ये रेड करेगा, नेक्स्ट टाइम 2 होगी ट्रू होगी ब्लू करेगा, तो ये ब्लिंक करता रहेगा हर सेकंड बाद। और उसको क्विक कर देंगे थोड़ा, तकरीबन इसको 1 सेकंड से कम 100 पे कर देते हैं, 0.10 सेकंड जल्दी जल्दी हो गए, और क्विक करेंगे और जल्दी होगा, सही है। इस तरह से कि एनिमेशन वगैरह सब इसमें बनते हैं। इसको और फ्रंट साइज वगैरह चेंज करना है, फ्रंट साइज से कर सकते हैं कुछ भी, लेबल डॉट सेट फॉन्ट, फॉन्ट में 3 वैल्यू जाती है, पहला फॉन्ट का नेम, दूसरा साइज, एक पे साइज 16 हो जाए एक पे 18 हो जाए, बोल्ड और इटैलिक होता है, इस तरह होता है, प्लेन होता है, थोड़ा कम साइज कर लेते हैं, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। तो जो भी एनिमेशन होते हैं उस पर हम करते हैं, सही। और अगर कोई लेबल इस पे लगा हुआ है, लेबल पे मैं सिंपल सेट टेक्स्ट काउंटर हमने करके देख लिया, इन्फिनिट चलेगा, ठीक है, क्योंकि वाइट ट्रू किया है, इन्फिनिट चलता रहेगा, सही। तो ये काम थ्रेडिंग में करते हैं। क्या फिर हमने काम किया था स्नेक वाला, क्या स्नेक वाला, यहां पे मैं वही इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 इंटीजर वाई इक्वल टू 10, और वो हम की प्रेस पे आगे कर रहे थे, यहां पे मैं इस पे आगे कर देता हूं, सेट लोकेशन x कॉम y x प्लस इक्वल टू 10, जस्ट अभी x आगे किया है, मैं x की लोकेशन चेंज कर, यहां पे ये विदाउट उसके हर सेकंड बाद चलता रहेगा, और तेज कर देंगे और तेज चलेगा, अभी बाहर चला जाएगा।
अच्छा फिर स्टार्ट साइन करो, टू में होगी, ओके ठीक है ठीक है। तो ये पता नहीं, अभी पता चला है नहीं, मुझे भी नहीं पता है। स्नेक वाली